हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म यू। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो कि AKTU 7 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यूनिट 1 में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग क्लाउड के बेसिक्स, इसकी डिफिनीशन, इसके एवोल्यूशन, इसके प्रिंसिपल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरे यूनिट में हम लोग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसी यूनिट में वर्चुअलाइजेशन के बेसिक्स, इसके टाइप्स, इसके टूल्स और मैकेनिज्म्स, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, इनका भी डिस्कशन करेंगे। तीसरे यूनिट में क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज और स्टोरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि NIST क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। NIST क्लाउड कंप्यूटिंग का डायग्राम भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में जानेंगे, क्लाउड पे चीज़ें कैसे स्टोर होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथे यूनिट में हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिसोर्स प्रोविजनिंग कर सकते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, हैं। उसके बाद फिर क्लाउड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, इन सब का भी डिस्कशन करेंगे। और पांचवें और अंतिम यूनिट में हम लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी और इसके एडवांसमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हेडूप, मैप रिड्यूस, वर्चुअल बॉक्स, आपने बिग डेटा भी पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम लोग गूगल ऐप इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में फेडरेशन क्या होता है, लेवल्स ऑफ फेडरेशन क्या क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।